पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में झांकियों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। हर कोई 751 वर्ष की सिल्लियों से बने भोलेनाथ के दर्शन को लालायित था। बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को एक एक कर मंदिर में प्रवेश दिया गया। कलाकारों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी, कान्हा जी की बाल लीला, रासलीला और रामलीला का मंचन किया। श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। इस दौरान सुभाष मेहरोत्रा, बिल्लू कत्याल, विपिन शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। ेवताभ्यो नम कुरु देवताभ्यो नम ग्राम देवता शाम देवताभ्यो नम वासुदेवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो जन्मन जयता श्रीमन महागणाधिपति गजानन भूतगणाधीश। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी से बिल्लू कत्याल। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मंदिर में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए और उन्होंने झांकियों का बहुत आनंद लिया। इस बार कमेटी ने बिल्कुल अलग तरीके की झांकी रखी थी और जिसमें केदारनाथ जी का मंदिर और चंद्रयान 3 और बर्फानी गुफा जो बनाई है हमने, इसमें पब्लिक ने, श्रद्धालुओं ने बहुत ज़्यादा सहयोग करा और दर्शन पाए। इस बार ये आपने चंद्रयान 3 की जो ये बनाई है झांकी, क्या सोच के बनाई? चंद्रयान 3 की जो हमने झांकी सोची, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसमें काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रही थी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया और भारत की जनता बहुत ज़्यादा खुश हुई इससे। तो हम भी ये चाहते थे कि भाई वहाँ तो कोई नहीं देख पाया, कम से कम झांकी रूप में हम कुछ उसका पब्लिक को दिखा सके। तो इस बार आपका झांकी का मेन मकसद ये रहा कि धर्म से विज्ञान की ओर लेके जाना? नहीं, धर्म भी है, विज्ञान भी है, दोनों विज्ञान। हाँ, धर्म से विज्ञान की ओर, दोनों चीजें जरूरी है। अगर हमने तरक्की करनी है तो दोनों चीजें जरूरी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।